माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर एंड वेलकम टू लर्न मैथ्स विद निशा सिंह राठौर। टुडे वी विल डू टास्क 7, राइट द डेसिमल इन एक्सपांडेड फॉर्म। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर से रिलेटेड तो प्लीज़ ज़रूर देखिए, बिकॉज वो आपका बेस है और बेस को क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। और इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से डेसिमल को एक्सपांड किया जाता है। जो एक्सपांडेड फॉर्म है वो सिंपल नंबर का आपने पिछली क्लास में पढ़ चुके हो, बहुत सिंपल है। जैसे अगर 22 दे रखा है, ठीक है, तो 22 को अगर आप एक्सपांड करते हो तो क्या लिखते हो, 20+2। ठीक है, अगर 237 दे रखा है तो इसको एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखोगे आप, 200+30+7। ये आपने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं सिंपल नंबर, बट आज हम सीखेंगे किस तरीके से डेसिमल्स को एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 8.32, ये जो पॉइंट है ना इसी को हम कहते हैं डेसिमल। तो 8.32 है नंबर, तो 8 लिखा, ठीक है, सिंपल वंस डिजिट है, प्लस 3 क्या है, 10th डिजिट है। जो फर्स्ट डिजिट होती है ना वो 10th होती है, और सेकंड जो होती है वो 100th होती है, फिर थर्ड डिजिट होती है वो 1000th होती है। ठीक है, तो अगर 3 2 है तो फर्स्ट डिजिट क्या है, 10th है, तो 3/10 लिखेंगे। सेकंड डिजिट का है 100th की वैल्यू है, फर्स्ट होती है 10th, सेकंड होती है 100th, तो 100th में क्या हो जाएगा, 3/2/100, क्योंकि यहाँ पे सेकंड नंबर पे दे रखा है 2। ठीक है, इसे मैं एक और एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कोई नंबर है 237.816, ठीक है, ये नंबर है। अब आपको इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले डेसिमल से पहले वाला हम डिजिट देखते हैं। तो डेसिमल के पहले क्या है, ये होता है वंस, ये होता है टेंस, ये होता है 100। ठीक है, तो आप कैसे लिखते हो, 200+30+7, इसको इस तरीके से एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हो 237 को। देन डेसिमल के बाद क्या होता है, फ्रैक्शन के रूप में लिखा जाता है नंबर को। जैसे फर्स्ट वैल्यू होती टेंथ, है ना, टेंथ होते TENTHS, ठीक है, तो वो कैसे लिखोगे आप, 8/10, क्योंकि ये टेंथ वैल्यू इसलिए अपॉन 10 आएगा। 100 से सेकेंड वाली वैल्यू तो 1/100, एंड थर्ड वैल्यू होती है 1000, इसलिए लिखते हो 6/1000। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा जाता है। अब तो आपको और भी क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, 17.5। तो 17 को कैसे लिख सकते हो, 10+7, ठीक है, पॉइंट के बाद में 5 दे रखा है, तो कैसे लिखोगे, 5, ये क्या है, टेंथ की वैल्यू है, तो 5/10। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, 22.516। अब इसमें देखिए, ये होता है वंस, ये है टेंथ, ये होगा टेंथ, ये 100 और ये होगा 1000। तो क्या लिखोगे आप, 22 को कैसे लिख सकते हो, 20+2। ठीक है, अब डेसिमल के बाद में हम नंबर देते हैं 516, तो 5/10, 1/100 और 6/1000। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, 7.084। तो 7 आपने लिखा प्लस, अब आप देखो यहाँ पे 0 की वैल्यू नहीं लिखी, क्यों, क्योंकि 0 जो होता है, नेक्स्ट नंबर है 7.084, तो आपने सबसे पहले 7 लिख दिया, देन प्लस, अब आपको ने 0 नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ 0 जो होता है उसको आप फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 का अगर फ्रैक्शन के रूप में लिखोगे तो कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं होती है, तो न्यूमरेटर में आप 0 नहीं लिखोगे। जब 0 आएगा ना तो उसको लीव कर देना है आपको। ठीक है, अब लिखते हैं 8। 8 कौन से नंबर पर है, डेसिमल के सेकेंड नंबर पर, इट मीन्स 8/100 आएगा। ठीक है, और 4 कौन से नंबर पे, थर्ड नंबर पे है, तो 4/1000। तो एक ट्रिक भी याद रखना आप, बहुत सिंपल है, फर्स्ट नंबर पे है डेसिमल का फर्स्ट नंबर, तो 10 आएगा। डेसिमल का सेकंड नंबर, डेसिमल के बाद सेकंड नंबर है, तो 20 आएंगे। डेसिमल के बाद थर्ड नंबर है, तो इट मीन्स 30 आएंगे। अगर डेसिमल के बाद फोर नंबर होते तो हम नीचे 40 लिखते हैं, 10,000 लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 आपके लिए होमवर्क है। डू दिस वर्क इन योर होमवर्क कॉपी। मैथ्स में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है, इसीलिए आपको होमवर्क ज़रूर करना है, प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की। ओके, नाउ लेट्स डू प्रॉब्लम सेट 1, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन एक्सपांडेड फॉर्म। जितना आपने अभी सीखा था टास्क 7 में वही है क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू ट्राईपार्ट। 66, अब 66.5 है, इट मीन 66 को कैसे लिख सकते हो आप, 60+6,
ठीक है, 0.5 है जैसा मैंने बताया था, डेसिमल के बाद में फर्स्ट डिजिट होगा तो 5/10 लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 142.71, तो आप इसको 142 को कैसे एक्सपांडेड करोगे, 100 प्लस 40 प्लस 2 है ना, और 7 1 है तो 7 डेसिमल के जस्ट बाद जो नंबर है फर्स्ट नंबर उसके लिए लिखोगे 1/7/10, डेसिमल के सेकंड नंबर पे लिखेंगे आप 1/100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड 389.642, तो कैसे लिखोगे, 389 को हम एक्सपांड करते हैं तो 3 थर्ड डिजिट है, 300 है तो 300 ये है 80 प्लस 9, तो 300 प्लस 80 प्लस 9 होता है 389। अब डेसिमल के बाद हम देखते हैं 642, तो डेसिमल के जस्ट बाद फर्स्ट नंबर है 6 तो हम लिखेंगे 6/10, 1 नंबर फर्स्ट नंबर था इसे 10 लगा दिया आपने, 400th की वैल्यू है तो 4/100, देन थर्ड नंबर है 1000th की वैल्यू तो 2/1000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, नाउ वी विल डू अप्लाई पार्ट 37.54, तो 37 को सबसे पहले हम एक्सपांड करते हैं तो 37 को कैसे लिख सकते हो आप, 30 + 7 प्लस डेसिमल के बाद में फर्स्ट डिजिट है 5 तो 5/10, देन डेसिमल के बाद में सेकंड डिजिट है 4 तो 4/100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 6.891, तो सबसे पहले डेसिमल के पहले वाला नंबर है 6, 6 वंस डिजिट है तो सिंगल आएगा, देन प्लस डेसिमल के जस्ट बाद वाला नंबर है 8 तो 8/10, सेकंड नंबर है 9 9/100, एंड थर्ड नंबर है 1 1/1000। ठीक है, तो ये थाउजेंड्स की वैल्यू होती है 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 20.74, तो 20 फर्स्ट 20 है, ठीक है, वंस के बाद टेंस की वैल्यू क्या है 20, देन प्लस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है इसलिए हम जीरो नहीं लिखेंगे, देन डेसिमल के जस्ट बाद है 7 7/10, और डेसिमल का सेकंड डिजिट है डेसिमल के बाद 4 तो 4/100। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 आपके लिए होमवर्क है, सेम पैटर्न है क्वेश्चन का, और अगर आपको मेथड क्लियर है तो कुछ भी डिजिट आ जाता है आपके क्वेश्चन पेपर में तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 4, 5, 6 आपको होमवर्क कॉपी में ज़रूर सॉल्व करना है। नाउ लेट्स डू प्रॉब्लम सेट 2। प्रॉब्लम सेट 2 में आपको क्या करना है, राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। अभी आपने एक्सपांडेड फॉर्म सीखा था डेसिमल नंबर को किस तरीके से एक्सपांड किया जाता है, अब आप देखोगे कि किस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू ट्राइपार्ट, तो इसमें दे रखा है 80 + 4 + 1/10 + 3/100 + 6/1000। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था डेसिमल के बाद में जैसे 80 + 4 हो जाएगा 84, ठीक है, देन डेसिमल 1/10, जब फ्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा लिखना इट मीन्स वो डेसिमल के बाद वाले नंबर है, तो अगर किसी भी नंबर के नीचे 10 दे रखा है इट मीन्स वो फर्स्ट नंबर होगा डेसिमल के बाद में, जस्ट 100 दे रखा है तो सेकंड नंबर होगा, 1000 दे रखा है तो थर्ड नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 के ऊपर क्या दे रखा है 1, 100 के ऊपर दे रखा है 3 और 1000 के ऊपर दे रखा है 6, इट मीन्स जो नंबर होगा वो होगा 84.136। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 500 + 20 + 3, तो इसको बोलते हैं हम 523, यहाँ से फ्रैक्शन स्टार्ट हो गया इट मीन्स हम लगा देंगे डेसिमल। अब देखिए यहाँ पे 10/10 नहीं, डिनोमिनेटर साइड में कोई 10 की वैल्यू नहीं है इट मीन्स हम लिख देंगे 0। 100 की वैल्यू दे रखी है इसमें इट मीन्स क्या हो जाएगा डेसिमल के जस्ट सेकंड नंबर क्या होगा 4, और 1000 की वैल्यू दे रखी तो थर्ड नंबर पर आता है 1000, डेसिमल के जस्ट थर्ड नंबर पर आएगा 1000, इट मीन 1000 के ऊपर दे रखा 5, तो ये नंबर हो जाएगा 523.045। ओके, नाउ वी विल डू अप्लाई पार्ट क्वेश्चन नंबर 1, 80 + 6, 80 + 6 क्या होता है 86, डेसिमल लग जाएगा क्योंकि अब फ्रैक्शन स्टार्ट हो गए हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई 10 नहीं दे रखा है इट मीन्स हम लिख देंगे 0, 100 की वैल्यू सेकंड नंबर पे आती है और इसका डिजिट है 2, 1000 की वैल्यू थर्ड नंबर पे आती है इसका डिजिट है 4, तो ये हो जाएगा 86.024। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 70+, तो 70 दे रखा है, देन प्लस के बाद में डेसिमल लगेगा क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन स्टार्ट हो गए हैं, तो 10 की वैल्यू फर्स्ट डिजिट आता है डेसिमल के जस्ट बाद वाला 10th की वैल्यू होती है तो 1 आ जाएगा, 100th की वैल्यू सेकंड नंबर पे होती है आ जाएगा 3, 1000th की वैल्यू थर्ड नंबर पे होती है अब आ जाएगा 5, तो आंसर हो जाएगा 70.135। क्वेश्चन नंबर 3 सेम वही पैटर्न है 10 + 9 + 4/10 एंड 2/100,
तो 10 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 19, डेसिमल लग जाएगा क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन स्टार्ट हो गए। अब 4/10 यानी जस्ट डेसिमल के बाद वाला नंबर है, देन हंड्रेड सेकेंड नंबर पे आता है तो 2 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 19.42। ओके क्वेश्चन नंबर 4, 80 प्लस 5 प्लस 2/10 प्लस 4/1000, तो क्या आ जाएगा, 80 प्लस 5 होता है 85, ठीक है, डेसिमल लग जाएगा 2, देन यहाँ पे देखिए आप हंड्रेड नहीं दे रखा है, अपॉन हंड्रेड नहीं दे रखा है तो आप लगा देंगे 0 क्योंकि सेकंड नंबर पे हंड्रेड्स की वैल्यू होती है, देन थाउजेंड्स दे रखा है 4, 4/1000 यानी थर्ड नंबर पे आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आपके लिए होमवर्क है, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट लाइक एंड अनलाइक डेसिमल। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और इफ़ यू लाइक माई टीचिंग स्टाइल प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, और ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।